गिरफ्तार कर जेल भेजा। इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी। नौकरी के नाम पर ठगी का धंधा चल रहा था। प्रियंका मिश्रा नाम की ठग पहले अरेस्ट हो चुकी है। इनकम टैक्स ऑफिस से फर्जी नौकरी का रैकेट। इनकम टैक्स के असली ऑफिस में होता था फर्जीवाड़ा। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी एस के श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर पुलिस को जांच। चार और अफसरों के खिलाफ भी इस मामले में सबूत मिले हैं, यानी कि इनकम टैक्स ऑफिस से ही फर्जीवाड़ा हो रहा था। हमारे सहयोगी संदीप इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, देखिए, आयकर विभाग के अधिकारी ही जो है वो अब फर्जीवाड़े कर रहे हैं नौकरी के नाम पर। बिल्कुल, देखिए त्रिशला, अगर आपको बताएं कि ये जो खबर थी ये पूरी 22 नवंबर को खबर हुई थी और भारत समाचार ने देखिए पूरी खबर को ही दिखाया था। अगर प्रकाशित करने की बात करी जाए कि किस तरीके से कैंटीन में जो एक महिला है वो वहां पर फर्जी शासक इंटरव्यू ले रही हो, जिसकी जानकारी जो है वो वहां पर आयकर विभाग वालों को ही नहीं थी। जब भारत समाचार ने इस खबर को दिखाया तो उसके बाद जो है वो तमाम अधिकारियों ने इसको संज्ञान लिया था। अब देखिए जिस तरीके से एस के श्रीवास्तव को अगर बात करी जाए, इनका जानकीपुरम में सेक्टर एस में आवास है, वहां पर पुलिस ने जब इनके यहाँ पर दबिश दी तो अपना एक इन्होंने अधिकारी जो रॉब है वो पुलिस वालों को दिखाने के लिए कई तरीके के प्रयास किए, लेकिन जब पुलिस वालों ने इनको एनबीडब्ल्यू दिखाया तो कहीं ना कहीं से वो परेशान हो गए। अब देखिए इस मामले की अगर बात करी जाए तो पूर्व मुख्य आरोपी तो उसी के साथ साथ पूर्व संविदा कर्मी जो प्रियंका मिश्रा है, हालांकि वो लोग पहले से ही जेल में, तो लगातार पुलिस जो है आयकर विभाग में कहीं ना कहीं से अपना जो उसे पूरा जाल बिछाया हुआ था कि किस तरीके से लोगों को पकड़ा जाए। अब देखिए एस के श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया गया और उसी के साथ साथ अब कई तरीके से इसमें पूछताछ करी जाएगी कि आखिर कौन कौन जो लोग हैं वो इसमें शामिल किसी के साथ है, क्या इनका किसी भी तरीके का सिंडिकेट चल रहा है, क्योंकि देखिए इनकम टैक्स के बड़े अधिकारी की गिरफ्तारी कई ना कहीं से लोगों को भी ये परेशान करती है कि नौकरी के नाम पर किस तरीके का ठगी का जो धंधा है वो चल रहा था। और क्योंकि देखिए पिछले आयकर विभाग में प्रियंका मिश्रा जब यहाँ पर एक अपना फर्जी इंटरव्यू चला रही थी तो ऑफिस के अंदर भी फर्जी इंटरव्यू चला रही थी, लोगों को नियुक्ति पत्र देने के लिए बुला रही थी, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, यानी एक ऑफिस के अंदर इतना बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और ऑफिस के अधिकारियों को पता ही नहीं है कि फर्जी नियुक्ति के नाम पर आयकर विभाग के नाम पर जो है वो कहीं ना कहीं से अभियोग किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो लोग हैं जो नौकरी के लिए पैसा देते हैं कहीं ना कहीं से उनकी जमा पूंजी को भी जो है बर्बाद करने का काम इन लोगों ने किया है। अब देखिए एस के श्रीवास्तव को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जिस तरीके से इसके पहले भी 4 लोग होंगे, यानी अगर आता है तो इसके इनकम टैक्स ऑफिस में एक बड़ा फर्जी नौकरी का रैकेट था जिसकी खबर जो है भारत समाचार ने भी दिखाई थी। अब इस पर लगातार कार्रवाई हो रही है और फर्जी भर्ती के मामले में आयकर विभाग के बड़े अधिकारी को गिरफ्तार किया गया। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया संदीप। और आज आधी रात से महंगा हो जाएगा एक्सप्रेसवे का सफर। आज आधी रात